सभी किसान भाइयों को राम राम। एक बार फिर स्वागत है मेरे छोटे से ज्योग्राफिक फॉर्म में। और ये देखिए जो हमारी माता है, इनका साइज देख लीजिए। और ये देखिए ड्यूरोक। सभी भाई लोग पूछते हैं कि आपके पास में फिलहाल ड्यूरोक है कि नहीं है, और बच्चे हैं कि नहीं, अवेलेबल कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। देखिए अवेलेबल के लिए और जहां हमने भेजना है वहां हम भेज सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल बच्चे हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। तो ये जो है, ये जो 3 या 4 महीने का है, ये सब टोटल खसी है। 1, 2, 3, 4 यहाँ पर एक नया हमने लैंडेस जोड़ा था, तो इसको हम लोग मीटिंग कराएंगे बाद में, जब जैसे ये बड़े हो जाता है। तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पे इनकी क्वालिटी जो गेन है, खा पी के आराम मस्त कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक मादा है हमारी, प्रेगनेंसी बैठी हुई है इसका, और ये 3 महीना होने वाला है। 3 महीना 10-15 दिन के अंदर में ये भी आ जाएगी। यहाँ पर है हमारी 3 मादा हैं, और 1 मादा है, मैं सभी को बता दूँ, 1 मादाएँ जो है वो 15 बच्चे देती है टोटल मिला के। जो इसका है 15 बच्चे ही देंगे टोटल मिला के। अच्छा अगर खाना दाना बढ़िया रहा तो इनकी क्वालिटी देखिए। दूर से आपको थोड़ा सा कैसा महसूस हो रहा होगा, लेकिन अगर सामने आके देखेंगे तो निवा और नियर अबाउट इसका 250-270-280 केजी हो चुका होगा इसका। बढ़िया है क्वालिटी। और ये हमारा एक सांड है जिनकी क्वालिटी मैं आपको बताया था, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, पर ये थोड़ा ब्लैक हो गया है, और ब्लैक ब्राउन का बात हो जाता है जैसे अभी ये थोड़ा हल्का सा ये गोल्डन है, और एक है जो आपको डार्क गोल्डन है। तो जो क्वालिटी है इनकी, तो यही क्वालिटी है हमारे पास में। और ऐसा है कि अभी ये बिहाने वाले एक आध दिन में साइज़ देख सकते हैं आपको, मैं पास से दिखाना चाहूँगा इनको साइज़ क्वालिटी की, इनकी साइज़। इनका ये वज़न भी आपको 200-250 की जो ऊपर ही है जितना मैं बताया आपको इनको साइज़ को। पास से आप देखना चाहेंगे तो और अच्छे तरीके से दिखेगा ये। तो सब भाई लोग पूछते हैं कि भैया कितना है आपके पास में, और कब तक बच्चे दे देंगे, आप डिलीवरी कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, और कहाँ कहाँ डिलीवरी होगा। तो देखिए डिलीवरी के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो मेरे वीडियो के माध्यम से मुझे कॉल करता है या मेरे को व्हाट्सअप करता है, तो मैं बताया उनको कि डिलीवरी हो जाएगा, लेकिन व्हीकल चार्ज आपको ही देना पड़ेंगे। व्हीकल वाले ऑनर से मैं बात करूँगा, और कहाँ तक वो डिलीवरी देंगे आप उस हिसाब से वही लोग डिलीवरी दे पाएंगे। बाकी जो है हमारे पास में ये जो पिगलेट्स है वो अवेलेबल हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद में। ये है, ये मैं पहले भी बताया था सबको कि अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, पर ये इनकी हाइट इतनी जल्दी से ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है कि बाद में हम लोगों को खसी करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसको मैं खसी कर दिया अभी फ़िलहाल नहीं, भी तो ये 40-45-50 kg लगभग का वेट हो गया है इनका गेन। तो बाद में अगर जितना बड़ा हो जाता है बाद में खसी करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये हमारी बिल्ली मौसी, तो आप देख सकते हैं, इसीलिए अगर आप जिनको भी जैसे मैं वीडियो डालता हूँ तो वैसे ही आप वीडियो के अंतराल में 1 हफ्ता हो गया या 10-15 दिन हो गया उससे पहले ही आप हमसे जो है माल ले जा सकते हैं। अगर आइंदा क्या होता है, अदरवाइज़ क्या होता है कि आपको बाद में माल यहीं का यहीं रह जाता है और वो बड़ा हो जाता है जल्दी से। अब बड़ा हो जाने पर आपको पता है जब उनको खसी करते हैं तो जितने भी फार्मर लोगों को पता है 2 से 3 महीने या 4 महीने हार्डली, उसके बाद में अगर आपको कराना भी पड़ता है तो बहुत ज़्यादा छटपट आता है, उनका वेट ज़्यादा भारी हो जाता है, उनके जो नाखून के पैर है वो एकदम तीखे हो जाते हैं। तो बाद में वो छटपट आने पर क्या होता है, हमको ज़्यादा लग जाता है, तो ये सब चीज़ हानियाँ हमको पहुँचती है। तो काइंडली सभी से अनुरोध है, अगर आप जैसे हमारे पास में पिगलेट्स आ जाते हैं, तो जैसे आप लोग पूछते हैं कब तक आएंगे, तो जैसे आ जाता है हमारे पास में ब्याह जाती है उसके 45 दिन 50 दिन या 2 महीने के अंदर में आप पिगलेट ले जा सकते हैं। और जो इनका वेट है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेन होता है, जल्दी गेन होता है बाकी के मुकाबले में ये है। तो अभी वर्ल्ड नंबर 1 पे जो ड्यूरक है वही है। और इनको बता दूं कि आप सभी लोग पूछते हैं कि आपके पास में प्योर है कि आपको प्योर नहीं है, तो इनकी क्वालिटी क्या क्या होती है जो हमको नहीं पता लगती है। देखिए आप ड्यूरोक कोई भी क्रॉस ले जाएंगे तो इनका जो लंबाई है आप मान सकते हैं उनके सर से लेके उसके पूंछ तक में इनकी लंबाई 6 से 7 फीट की लंबाई हो जाएगी।
7 फीट करीबन लंबाई हो जाएगा, 7.5 फीट का भी कोई हो जाता है लंबाई में। और चौड़ाई का जैसे होगा, जैसे ओरिजिनल वाली ब्रीड होगी तो ये जो पेट है उनका, जैसे मादा का ही पेट है तो मादा का पेट में जो है नीचे की ओर झूला रहेगा, 7 फीट 6 फीट लंबा नहीं रहेगा जो क्रॉस रहेगा। और जो इनकी जैसे ये क्रॉस नहीं है, प्योर ब्रीड्स है, तो इनकी लंबाई बढ़ेगी आप इनको, और देखने में बहुत लंबाई चौड़ाई जैसा लगेगा। और अगर आप मादा की निप्पल की बात करें तो निप्पल इनका किसी मादाओं का 18 होता है, 16 होता है आपको, तो जितना भी है अगर आप मादा ले जाते हैं कहीं पे भी, मान के चलिए अगर आप अपने ये फॉर्म के लिए ले जाते हैं तो मादा का निप्पल आप काइंडली देख के ले जाइएगा, एक साइड में 6 एक साइड में 6, तो उतना तो अनिवार्य है, 6-12 से अगर कम हो गया तो निप्पल तो आप उनको मत ले जाइए, उनको आप मीट के ऊपर में डाल दीजिए या कहीं और ले लीजिए, तो उनको आप जो है ब्रीडिंग के लिए मत ले जाइए, वो ब्रीडिंग पर्पस के लिए है ही नहीं। मान के चलिए बच्चे दे देंगे आपको 15 और रहेगा उनका दूध का थन 10, 8, 5, तो आप कैसे कर पाएंगे फिर इसको, 12 से कम रहेगा। तो इस तरीके का जो है वीडियो मैं लाता रहूँगा, और मैं बताया कि 12 से ऊपर जैसे हो गया 12 हो गए, 14 हो गए, 16 हो गए, 18 हो गए, तो अगर जो उनके निप्पल है वो अगर जितने ज़्यादा होंगे तो उतना ज़्यादा है, एक बार में बच्चे जो दे देगी 10 से 15 मान के चलिए 20 दे देगी, 15 दे देती है, 10 15 दे देती है, तो 15 में क्या होता है कि बाकी बच्चे जितने भी है उसके निप्पल जो 18 या 15 या 16 निप्पल होगा तो वो आराम से खा पी के जो उनके है जो वेट है वो गेन कर पाएंगे। और कभी भी ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि मान के चलिए अगर आप बच्चा छोटा सा बड़ा हो गया, मान के चलिए थोड़ा सा भी थोड़ा छोटा बड़ा छोटा हो गया, छोटे में अगर आपने उनको दूध नहीं पिलाया तो फिर ये आप जैसा भी उनको दाना खिलाइए, जैसा भी आप अच्छे से अच्छा मल्टीविटामिन खिलाइए या फिर मान के चलिए आप डीहूजी खिला लीजिए, वर्ल्ड नंबर 1 फीड खिला लीजिए, फिर उसका वेट गेन नहीं होने वाला है। मैं आपको लिख के बता दूं, लिख के दिखा दूं आपको, अगर आप स्टंप पेन में भी साइन करवाएंगे तो स्टंप पेन में भी साइन करने के लिए तैयार हूं। तो ये कुछ खासियतें हैं जो चीज़ है जो आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही इनका जो बच्चा हो जाता है, बच्चा होने के बाद में जो इनकी जो क्वालिटी अगर आपने गेन करनी है तो लगभग जब तक वो बराबर सेम साइज़ के नहीं हो जाते सभी बच्चे, तो तब तक आपको उनको मैक्सिमम ज़्यादातर एक हफ्ते तक इनको आपको आप लगातार चाहे आप पकड़ के दूध पिलाइए चाहे आप साथ में बैठ के खिलाइए। तो ये चीज़ मैंने अनुभव कर चुका हूँ, और इससे पहले भी मैं बताया कि मेरे इतने अनुभव होने के बाद में भी फिर भी मेरे जो बच्चे हैं वो मर गए हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे को ये सब चीज़ करने के लिए। तो आप थोड़ा जो मैं बता रहा हूँ तो उसके बारे में कोई जानकारी अगर किसी को कुछ पता होता है तो आप मेरे को बता दीजिएगा कि जो मोर्टिलिटी का पीरियड है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और कभी कभी जैसे प्रेगनेंसी होने के बाद में जैसे बच्चा बिहाती है, बिहाने के बाद में मान के चलिए वो बच्चा इधर उधर गिरने के बाद में अगर आप साथ में नहीं रहते तो वो इतना भारी वजन है वो अपने पैर रख देती है, कभी सो जाती है, तो इस वजह से बच्चे की जो मोर्टिलिटी रेट है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें जब भी वो बिहाती है वो आपके साथ में रहिएगा, कौन सा डेट है डेट लिख के रखिएगा, साथ साथ में 1 या 2 दिन आपको कष्ट करना पड़ेगा सुबह शाम उठ के। और जो निप्पल के बारे में बताया वो आपको 12 से ऊपर वाला निप्पल ले दीजिए ब्रीडिंग के लिए, और जो अगर आप ब्रीडिंग पर्पस लेते हैं आपको फॉर्म बढ़ाने के लिए तो बेस्ट क्वालिटी जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो आप ले लीजिएगा, बाद में जाके ये ना होगा अगर ठगा खा जाइएगा फिर बाद में बोलिएगा कि नहीं नहीं भैया आपने जो बोला था वो सही है, बाद में इसकी जो क्वालिटी नहीं गेन हो रही, बस पेट बड़ा हो रहा है, चर्बी लग रही है इससे, लंबाई तो बढ़ नहीं रही। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, और मैं सभी से विनम्र अनुरोध करूँगा कि मैं उनके कॉल को अगर आपको रिसीव नहीं कर पाया तो काइंडली मैसेज कर दीजिएगा, तो मैसेज के दौरान में मैं कभी कहाँ रहता हूँ, कभी कहाँ रहता, कभी दुकान भी चलता है मेरा, तो कभी हमारा मान के चलिए ऑफिस का भी काम रहता, कभी मीटिंग में रहता हूँ, तो इस दौरान मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगा, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप मुझसे माफ़ कर दीजिएगा। और मेरे वेबसाइट पे आप जाकर www.durocpickfarm.in पर जाके आप लॉगिन कर सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं। सभी भाई लोग पूछते हैं कि आपका जो मैप है मैप कहाँ पर रहेगा हमारा, तो मैप आप www. मेरा
ड्यूरोक पिक फॉर्म डॉट इन में जाके आप चेक कर सकते हैं मेरा, और आप जो मैपिंग के थ्रू आप मेरे फॉर्म पे भी आके चेक करवा सकते हैं। तो एक भाइयों ने हमने पूछा था कि स्वाइन फीवर की जो अमेरिकन स्वाइन फीवर है उसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये मैं चेक करके बताऊंगा। इस बीच में तो मिल रही थी हमको, अभी मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं। जो इंडोनेशिया से आया है बताया, वो अभी न्यूली लॉन्च हुआ है 2024 में, तो इस बारे में मुझे खास से पता नहीं है। जो पुराना वाला स्वाइन फीवर है वो वैक्सीन मिल रही है, लेकिन अभी नया वाला जो उसके लिए थोड़ा सा मेरे को पूछना पड़ेगा आपको। 2024 जो कि इंडोनेशिया में बना हुआ है, तो इसका जो है मैं पूछ लूँगा, पूछने के बाद मैं आप सबको खबर देता हूँ। तो आज तक के लिए इतना ही, सभी चीज़ को, सभी लोगों को, सभी मेरे किसान भाइयों को और मेरे चैनल पे आने के बाद में आने के लिए आप सबको धन्यवाद। और काइंडली मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे इसी थ्रू से मैं वीडियो थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा बनाता रहूँगा और आप बोर ना हो इसलिए छोटा ही वीडियो बना रहा हूँ। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।